हेलो एवरीवन, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम पुष्पांजलि है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डेडलॉक के बारे में। डेडलॉक होता क्या है, डेडलॉक अकर होने के क्या नेसेसरी कंडीशंस हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि डेडलॉक होता क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो मान लीजिए ये कोई रोड है जिस पर दो गाड़ियाँ हैं जिसका नाम ए और बी है। रोड की एक कंडीशन है, इस पे एक बार में एक ही गाड़ी जा सकती है। तो सबसे पहले जब अगर ए को जाना होगा तो बी को गाड़ी पीछे करनी होगी, जो कि वो करेगा नहीं क्योंकि उसको इस डायरेक्शन में जाना है। और अगर बी को जाना है तो ए को पीछे करना पड़ेगा, वो जो कि वो करेगा नहीं क्योंकि इसको इस डायरेक्शन में जाना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों गाड़ी यहाँ पर स्टक हो जाएंगी, फंस जाएंगी। तो यही कंडीशन क्या कहलाती है, आपकी डेडलॉक की कंडीशन कहलाती है। अब अगर हम सिस्टम के लैंग्वेज में समझें तो दो प्रोसेस हैं P1 और P2, जिनके पास रिसोर्सेज हैं R1 और R2। P1 के पास रिसोर्स है R1 और वो रिक्वेस्ट कर रहा है R2 के लिए, क्योंकि उसको टर्मिनेट होना है तो उसको ज़रूरत है रिसोर्स R2 की। और ऐसे ही P2 जिसके पास है R2 और रिक्वेस्ट कर रहा है वो R1 के लिए। तो P1 भी रिक्वेस्ट कर रहा है R2 के लिए जो कि P2 के पास है, और P2 रिक्वेस्ट कर रहा है R1 के लिए जो कि P1 के पास है। अब क्या होगा यहाँ पे कि P1 सोचेगा कि पहले P2 अपना रिसोर्स रिलीज करे, और P2 सोचेगा कि P1 अपना रिसोर्स पहले रिलीज करे, जो कि यहाँ पे आपका अनलिमिटेड वेटिंग टाइम हो जाएगा। कोई भी किसी रिसोर्स को रिलीज़ नहीं करेगा। और यहाँ पे भी कंडीशन क्या है, आपकी डेडलॉक की कंडीशन है। तो यही आपकी डेडलॉक की कंडीशन होती है। अब देखते हैं कि चार नेसेसरी कंडीशंस आपकी होती हैं जो डेडलॉक के लिए होती हैं। सिस्टम में अगर डेडलॉक अकर होता है, मान लीजिए आपके रियल लाइफ एग्जांपल में अगर आपका सिस्टम है, अब अपना सिस्टम चला रहे हैं, अचानक से वो हैंग हो जाता है, तो आप क्या करते हैं उसको, वो हैंग होना आपका डेडलॉक की वजह से होता है। तो एक ये रियल लाइफ सिंपल एग्जांपल है। अब देखते हैं कंडीशंस फॉर डेडलॉक। कंडीशंस क्या है इसकी, सबसे पहली कंडीशन है म्यूचुअल एक्सक्लूजन की। इसमें क्या है फ्रेंड्स, एनी वन रिसोर्स नॉन शेयरेबल। मींस क्या, म्यूचुअल एक्सक्लूजन में क्या होगा कि एक समय पे सिर्फ एक किसी भी प्रोसेस को एक रिसोर्स एट अ टाइम आपको मिलेगा। और वो रिसोर्स आपका क्या होगा, या तो रिसोर्स दो टाइप के होते हैं आपके, या तो शेयरेबल होगा या तो नॉन शेयरेबल होगा। तो शेयरेबल अगर होगा तो आपका क्या होगा कि शेयरेबल, जैसे कि आपके कोई भी वेबसाइट होती है जिस पे आप एक समय पे एक से अधिक लोग विजिट कर पाते हैं, तो वो क्या है, आपका शेयरेबल है। नॉन शेयरेबल मीन्स आपका जो कि एक टाइम पे एक ही किसी रिसोर्स को एक टाइम पे एक ही प्रोसेस आपका एक्सेस कर पाए, तो वो आपका नॉन शेयरेबल हो गया। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन में क्या कहते हैं कि कोई भी एक रिसोर्स पूरे सिस्टम में आपका कोई भी एक रिसोर्स ऐसा होना चाहिए जो कि नॉन शेयरेबल हो, तो वहाँ पे डेडलॉक अकर होने का चांस होता है। सेकंड है आपका होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट मींस क्या, आपके नाम से लग रहा है कि होल्ड करना कि और वेट करना, मीन्स किसी भी प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस है, अगर आपका किसी भी रिसोर्स को एट अ टाइम वो अवेलेबल है, उसको रिक्वायरमेंट है, अगर मान लीजिए चार रिसोर्स की और उसके पास उस समय दो अवेलेबल हैं, तो वो दो प्रोसेस को अपना होल्ड करेगा और बाकी दो प्रोसेस के लिए वो वेट करेगा। तो यही आपकी होल्ड एंड वेट कंडीशन होती है। मींस आपको जितने प्रोसेस आपके लिए, जितना भी आपका रिसोर्स को ज़रूरत है, रिसोर्स की ज़रूरत है प्रोसेस को, पूरा एक बार में अवेलेबल नहीं कराया जाएगा। जितना उस टाइम अवेलेबल है उतना रिसोर्स अवेलेबल होगा और बाकी सारा प्रोसेस अदर रिसोर्सेज के लिए वेट करेगा। तो ये है आपकी होल्ड एंड वेट कंडीशन। देन आपका है नॉन प्रीम्पशन। नॉन प्रीम्पशन में क्या होता है कि अगर आपका मान लीजिए यहाँ पे नॉन प्रीम्पशन में क्या होगा कि उस आपका प्रीम्प्ट नहीं करेगा। अगर किसी भी प्रोसेस को रिसोर्स असाइन है तो वो तब तक असाइन रहेगा जब तक कि उसका प्रोसेस पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता। प्रोसेस पूरा कंप्लीट होने के बाद ही प्रोसेस उसको रिसोर्स को रिलीज़ करेगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कि वहाँ पे प्रीम्प्शन ना हो, जब
आपका मान लीजिए यहाँ पे 3 प्रोसेस है, P1, P2, P3। जब P1 पूरे अपना टर्म रिसोर्स को तभी रिलीज़ करेगा जब वो पूरा टर्मिनेट हो जाएगा, उसके बाद ही उसको P2 उस रिसोर्स को एक्सेस कर सकता है। नेक्स्ट आपका P3 भी ऐसे ही, आपका जब P2 आपका कंप्लीट हो जाएगा तब आपका P3 रिलीज आपका एक्सेस कर पाएगा उस रिसोर्स को। नेक्स्ट है आपका सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट में क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे P1, P2, P3 है, ठीक है। आपका P1 यहाँ पे आपका अगर कंडीशन डेडलॉक की चेक करें, बाकी 3 की कंडीशन जो कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन यहाँ पे देखते हैं है, तो बिल्कुल है आपका म्यूचुअल एक्सक्लूजन होगा तभी आपका, अगर यहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन मीन्स एक नॉन शेयरेबल आपका रिसोर्स होना चाहिए। अगर आपका सारा रिसोर्स शेयरेबल होगा तो यहाँ पे एक दूसरे के लिए वेट नहीं करते, एक साथ उस रिसोर्स को एक्सेस करके एग्जीक्यूट हो जाते। लेकिन यहाँ पे एक दूसरे के लिए वेट कर रहे हैं तो यहाँ जाहिर सी बात है म्यूचुअल एक्सक्लूजन आपको यहाँ पे दिख रहा है। सेकेंड है आपका होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट यहाँ पे कंडीशन है, हाँ बिल्कुल हो सकती है मे बी, क्योंकि यहाँ पे आपका जो होल्ड एंड वेट कंडीशन है मीन्स यहाँ P1 कुछ रिसोर्स को होल्ड किए हुए है और बाकी के लिए यहाँ पे वेट कर रहा है। ऐसे ही P2 आपका कुछ रिसोर्स होल्ड किए हुए है और बाकी के लिए वेट कर रहा है। नॉन प्रीम्पशन मीन्स नॉन प्रीम्पशन यहाँ पे है, तो बिल्कुल है यहाँ पे, अगर ये आपका प्रीम्प्ट नहीं हुआ है ये इस वाले को आपका अगर ये P2 आपका कोई रिसोर्स है वो अपना एक्सेस कर लेगा तभी आपका यहाँ टर्मिनेट होने के बाद ही इसको वो रिसोर्स जिसके लिए ये वेट कर रहा है P2 के लिए वो रिसोर्स P1 को मिलेगा। तो यहाँ भी आपका नॉन प्रीम्पशन भी है। देन देखते हैं सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट, सर्कुलर वेट क्या होता है कि जब आपका अगर P1 वेट कर रहा है P2 के लिए, P2 वेट कर रहा है P3 के लिए, तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे डेडलॉक ख़त्म हो सकता है। लेकिन अगर हम P3 वेट कर रहा है P1 के लिए तो यहाँ इनडेफिनेटली आपका वेटिंग कंडीशन हो गई कि P1 वेट कर रहा है P2 के लिए, P2 वेट कर रहा है P3 के लिए और P3 वेट कर रहा है वापस P1 के लिए, तो ये वेटिंग ख़त्म आपकी नहीं होगी और ये कंडीशन क्या होगी आपकी डेडलॉक की कंडीशन होगी। तो यही आपकी 4 कंडीशंस होती हैं, पहला म्यूचुअल एक्सक्लूजन, दूसरा होल्ड एंड वेट और तीसरा नॉन प्रीम्पशन और चौथा होता है आपका सर्कुलर वेट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।